लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। अब इसमें इसकी सेटिंग क्या है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। द स्टोरी इज सेट इन स्कॉटलैंड, यानी कि जो कहानी है कहाँ की कहानी है, ये स्कॉटलैंड की कहानी है ये। इसमें हीरोइन कौन है, यानी कि मेन कैरेक्टर कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है, जेनी। जेनी कौन है, स्कॉटिश लिटिल गर्ल, एक छोटी स्कॉटिश लड़की है। जेनिस फादर को क्या काम करते हैं, वो शेफर्ड हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं। जेनिस मदर कौन है, एलसी, उनका नाम क्या है, एलसी। जेनिस ग्रैंड मदर, सॉरी जेनिस ग्रैंड फादर का नाम क्या है, ओल्ड केनेथ। और इसके अलावा हमारे पास जेनिस ग्रैंड मदर हैं, उसकी दादी हैं ये, यानी कि ये सारे कैरेक्टर्स हमें इस कहानी में मिलेंगे। ओके, तो थोड़ा सा ब्रीफ क्या है, ब्रीफ ऑफ द स्टोरी, ये कहानी है स्ट्रिंग ऑफ एम्बर बीड्स। स्ट्रिंग का मतलब होता है माला, ठीक है। एम्बर मतलब, एम्बर होता है एक कीमती पत्थर, प्रेशियस स्टोन, ठीक है, जो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे एम्बर बोलते हैं। और बीड्स क्या होते हैं, ये तो देखो छोटे छोटे मणके नज़र आ रहे हैं आपको, इनको हम बीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है। ग्रैंड मदर गिफ्टेड नेकलेस टू जेनी। अब ग्रैंड मदर ने ये जो नेकलेस था, ये जो हार था बीड्स का, ठीक है ना, एम्बर बीड्स का जो हार था, किसको गिफ्ट किया था, जेनी को। ग्रैंड फादर कार्व द बीड्स, और इसको बनाया किसने था, इस नेकलेस को, उसके दादाजी ने, ग्रैंड फादर ने। गॉट इट। सो इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स ट्रेजर, यानी कि कुदरत के अंदर जो खजाने हैं उनकी तारीफ करना, उनका गुणगान करना। और बीड्स जो मैंने अभी बताया था आपको, इसके अंदर कौन कौन से छोटे लिटिल टाइनी क्रीचर्स हैं, छोटे छोटे प्राणी हैं, क्या क्या मिलेंगे हमें इसमें, फ्लाई है बीड के अंदर, मधुमक्खी है, बी है, फर्नीमोस है, काई है, अ कॉर्न कप है, यानी कि एक बलूत का फल या एक बीज बोलते हैं इसको, स्लेंडर पाइन है, यानी कि छोटे छोटे बीड्स के अंदर ये सारी चीज़ें एम्बेडेड हैं, ठीक है, बनी हुई हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द स्टोरी ऑफ एम्बर बीड्स, एम्बर बीड्स की कहानी। डू यू नो मदर नेचर, क्या आप मदर नेचर को जानते हो। शी इट इज टू होम द केयर ऑफ अर्थ हैज़ बीन गिवन, यानी कि मदर नेचर को क्या काम मिला हुआ है, मदर अर्थ, अर्थ यानी कि हमारी धरती, हमारी धरती की देखभाल करने का काम किसको मिला है, मदर अर्थ को। एंड ऑल दैट ग्रोज इन और अपॉन इट, और इस धरती के ऊपर या इस धरती के अंदर जो भी चीज़ पैदा होती है, उस सब की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है, मदर नेचर की। जस्ट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर केयर हैज़ बीन गिवन टू योर एल्डर्स, जैसे कि आपकी जिम्मेदारी आपके बड़ों की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी मम्मी आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं, लंच बनाती हैं, डिनर बनाती हैं, ठीक है ना, आपके लिए कपड़े प्रेस करती हैं, आपके कपड़े धोती हैं, आपका सारा ध्यान रखती हैं, ठीक है ना, आपके बड़े आपका ध्यान रखते हैं। ठीक इसी तरह से जो मदर नेचर है, वो अर्थ यानी कि इस धरती की देखभाल करती है। यू मे थिंक दैट मदर नेचर लाइक द फेमस ओल्ड वूमन हु लिव्ड इन द शू हैज सो मैनी चिल्ड्रन। अब आपको लगता होगा कि मदर नेचर के बहुत सारे बच्चे हैं, जैसा कि एक कहानी में जिसका क्या नाम है, ओल्ड वुमन हु लिव इन द शू। इस कहानी में उस औरत के बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। शी डजंट नो व्हाट टू डू, अब उसके इतने सारे बच्चे थे, उसको समझ में नहीं आता था वो क्या करे। बट यू विल नो बेटर व्हेन यू बिकम एक्वेंटेड विद हर, लेकिन जब आप मदर नेचर के बारे में जानोगे, उससे जान पहचान करोगे, एक्वेंटेड मतलब उसके बारे में जानोगे, तो आपको पता चलेगा। एंड लर्न हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज़, यानी कि जो मदर नेचर है
कितनी स्ट्रांग है, कितनी ताकतवर है, एंड हाउ एक्टिव, और वो कितनी चंचल है, यानी कि कितनी फुर्तीली है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने मदर नेचर की. ओके, हाउ शी कैन रियली बी इन 50 प्लेसेस एट वंस, यानी कि किस तरह से मदर नेचर एक ही समय पर 50 प्लेसेस पर हो सकती है. टेकिंग केयर ऑफ सिक ट्री, यानी कि वो बीमार पेड़ का कभी ध्यान रख रही है, और अ बेबी फ्लावर जस्ट बॉर्न, और छोटे से फूल का जो अभी पैदा हुआ. एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय बिल्डिंग अंडरग्राउंड पैलेसेस, यानी कि धरती के नीचे वो बड़े बड़े वो अपने महल बना रही है. गाइडिंग द स्टेप्स ऑफ लिटिल ट्रेवलर्स सेटिंग आउट ऑन लिटिल जर्नीज, और वो छोटे छोटे यात्री, यानी कि जो जैसे छोटे छोटे कीड़े हैं, उन छोटे छोटे यात्रियों को क्या है, उनको गाइड कर रही है, उनको रास्ता दिखा रही है, जो कि बड़ी बड़ी यात्रा पर निकल चुके हैं. क्योंकि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो घूमते फूरते पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, तो जो मदर नेचर है उनको गाइड करती है. एंड स्वीपिंग, साफ करती है, डस्टिंग, धूल झाड़ती है, एंड अरेंजिंग, और व्यवस्थित करती है हर ग्रेट हाउस, उसका बहुत बड़ा घर, यानी कि उसका जो बहुत बड़ा घर है उसमें वो उसको साफ करती है, उसमें झाड़ू लगाती है, ठीक है ना, उसको साफ करती है. ठीक है, अब उसका बड़ा घर कौन सा है, द अर्थ, यानी कि धरती, यानी कि जो मदर नेचर का जो घर है ये पूरी धरती है, ये उसकी पूरी धरती की क्या है, देखभाल करती है. एंड ऑल द वाइल इन द मिस्ट ऑफ हर पेशेंट एंड नेवर एंडिंग वर्क, और उसकी मेहनत और उसके कभी ना ख़त्म होने काम के दौरान वो क्या करती है, शी विल टेल अस द मोस्ट चार्मिंग एंड मार्वलस स्टोरीज, वो हमें कहानियाँ सुनाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोहक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अनोखी होती हैं. ऑफ एजेस, बहुत समय पहले, व्हेन शी वाज यंग, जब हमारी मदर नेचर यंग हुआ करती थी, वो उस समय की कहानियाँ बताया करती है. ऑल ऑफ द ट्रेजर्स दैट लाई हिडन इन द मोस्ट डिस्टेंट एंड सीक्रेट क्लोजेट्स ऑफ हर पैलेस, और वो हमें उन छुपे हुए खजानों की कहानियाँ बताती है जो उसके महलों में कहीं छुपे हुए हैं. जस्ट सच स्टोरीज एज यू ऑल लाइक सो वेल टू हियर योर मदर टेल व्हेन यू गैदर राउंड हर इन द ट्वाइलाइट, यानी कि आप इस कहानी को ऐसे ही पसंद करोगे जैसा कि आप कहानियों को पसंद करते हो जो आपकी मम्मी आपको सुनाती हैं रात के समय, जब आप उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हो, आपको ये कहानी भी उतनी ही अच्छी लगेगी. अ फ्यू ऑफ दीज स्टोरीज, इन कुछ कहानियों में से, विच शी हैज़ टोल्ड मी, जिन कहानियों को मदर नेचर ने मुझे सुनाया है, आई एम अबाउट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ. बिगनिंग विद दिस वन, यानी कि अब मैं कहानी इससे शुरू करूँगी. आई नो अ लिटल स्कॉटिश गर्ल, मैं एक छोटी सी लिटल स्कॉटिश गर्ल के बारे में, लड़की के बारे में जानती हूँ. शी लिव्स अमंग द हाईलैंड्स, वो कहाँ रहती है, हाईलैंड्स, हाईलैंड्स यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ पर रहती है. हर होम इज़ हार्डली मोर देन अ हट, यानी कि उसका जो घर है कितना बड़ा है, झोंपड़ी जितना है, यानी कि उसका घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि एक उसका घर क्या है, एक झोंपड़ी है छोटी सी. हर फूड ब्रोथ एंड ब्रेड, यानी कि उसका जो खाना है, उसकी जो ब्रेड है, ठीक है ना, उसके बारे में बताऊंगी. हर फादर कीप्स शीप ऑन द हिल साइड्स, यानी कि पहाड़ी पर उसके जो पिताजी वो क्या करते हैं, शीप्स यानी कि जो भेड़े पालते हैं. एंड इंस्टेड ऑफ वियरिंग अ कोट, कोट पहनने की बजाय उसके पिताजी क्या करते हैं, रैप्स हिमसेल्फ इन हिज ब्लेड, यानी कि अपने आप को एक लोई में, एक चादर में लपेट लेते हैं. क्यों लपेटते हैं, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड विंड्स, अपने आप को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए. दैट ड्राइव देम, ड्राइव बिफोर देम ग्रेट क्लाउड्स ऑफ मिस्ट एंड स्नो अमंग द माउंटेन्स, ठीक है, जो ठंडी हवाएं उनके सामने फॉग यानी कि कोहरा ले आती हैं उनसे बचने के लिए, और जो बर्फ़ है, जो पहाड़ों पर बर्फ़ जमती है उस ठंड से बचने के लिए वो लोई पहनते हैं, चादर
पहनते हैं। एज फॉर जेनी हरसेल्फ, जहां तक जेनी का सवाल है, यू मस्ट बी केयरफुल टू स्पेल हर नेम विद एन ई, फॉर दैट इज स्कॉच फैशन। उसका नाम आप बड़े ध्यान से लेना, क्योंकि स्कॉच में उसका नाम को बिल्कुल अलग तरह से पुकारा जाता है। हर येलो हेयर इज बाउंड अबाउट, उसके जो पीले बाल हैं वो बंधे हुए हैं, विद अ लिटल स्नूड, एक स्कार्फ। स्नूड का मतलब होता है जो स्कार्फ पहनते हैं उसको हम स्नूड बोलते हैं, स्कार्फ के साथ वो बंधे हुए हैं। हर फेस इज टैन्ड बाय एक्सपोजर टू द वेदर, यानी कि जेनी का जो फेस है वो सूरज की तपिश के कारण वो थोड़ा सा टैन हो गया, थोड़ा सा गेहुआ हो गया है। एंड हर हैंड्स आर हार्डन्ड बाय वर्क, और उसके जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए काम कर करके। फॉर शी हेल्प्स हर मदर, क्योंकि वो अपनी मम्मी की हेल्प करती है, एल्सी, जिसका नाम क्या है, एल्सी है। टू कुक एंड स्यू, वो खाना बनाने में, कपड़े सीने में, और टू स्पिन एंड वीव, और कातने में अपनी माँ की मदद करती है। वन ट्रेजर लिटिल जेनी हैज़ विच मैनी अ लेडी वुड प्राउड टू वियर, यानी कि एक ऐसा खजाना जो जेनी के पास है जिसको पाने के लिए हर लड़की गर्व महसूस करेगी, वो क्या है, इट इज़ अ नेकलेस ऑफ एम्बर बीड्स। ये क्या है, एम्बर बीड्स की एक माला, एम्बर बीड्स का एक हार है, लैमर बीड्स, लैमर का मतलब होता है लव, ठीक है, और इसको लव बीड्स भी बोलते हैं, ओल्ड एल्सी कॉल्स देम, ठीक है, यानी कि जो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या कहकर बुलाती है इसको, लैमर बीड्स, लव बीड्स कहकर बुलाती है। दैट इज़ द नेम दे वेंट बाई वैन शी वॉज यंग, ये नाम उसने तब रखा जब वो छोटी लड़की थी, मतलब जब उसकी ग्रैंड मदर जो थी, जो दादी थी, जब वो छोटी लड़की थी तो उसने इस एम्बर बीड्स का नाम क्या रखा था, लव बीड्स, ठीक है, लैमर बीड्स, ओके। यू हैव परहैप्स सीन एम्बर, शायद आपने एम्बर को देखा होगा, एंड नो इट्स रिच सनशाइनी कलर, और आप इसके चमकीले सूरज जैसे कलर के बारे में जानते होंगे। एंड इट्स फ्रेग्रेंस व्हेन रब्ड, और आप इसकी खुशबू के बारे में भी शायद आपको पता होगा जब इसको रगड़ा जाता है। एंड डू यू ऑल्सो नो दैट रबिंग विल मेक एम्बर अट्रैक्ट थिंग्स, और अच्छा क्या आपको पता है जब हम एम्बर को रगड़ते हैं तो इससे जो खुशबू पैदा होती है वो आसपास की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आसपास के जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। समवट एज अ मैग्नेट डज, जैसे कि चुंबक लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक इसी तरह से जो एम्बर है जब वो अपनी फ्रेगरेंस से, अपनी खुशबू से आसपास की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जीनीज बीड्स हैड ऑल दीज प्रॉपर्टीज, यानी कि जीनी की जो बीड्स है, उसकी जो माला है, उसमें सारे गुण हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं, बट सम अदर्स बिसाइड्स, यानी कि इन क्वालिटीज़ के अलावा, वंडरफुल एंड लवली एंड इट इज़ ऑफ दोज पर्टिकुलरली दैट आई विश टू टेल यू, यानी कि इस क्वालिटी के अलावा बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूँगी। ईच बीड हैज़ इनसाइड ऑफ इट सम टाइनी थिंग, यानी कि हर मणके के नीचे, यानी कि एक बीड ये हुआ, हर बीड के अंदर क्या है, छोटे छोटे क्रीचर्स हैं, प्राणी हैं। इन केज एज इफ इट हैड ग्रोन इन द एम्बर, ऐसा लगता है मानो ये एम्बर के अंदर ही पले बड़े हों। एंड जेनी इज नेवर टायर्ड ऑफ लुकिंग एट, और जेनी कभी भी नहीं थकती इनको देख कर, एंड वंडरिंग अबाउट देम, और हमेशा उनके बारे में सोचती रहती है। देर इज वन विद अ डेलिकेट बिट ऑफ फर्निमोस शट अप, अब क्या है, देखो ऑथर क्या बता रहा है, एक जो बीट है उसमें क्या है, फर्निमोस, फर्निमोस मतलब काई, जैसे मैंने अभी बताया था ना, एक बीट में फर्निमोस है। एज इट वर इन अ ग्लोब ऑफ येलो लाइट, ऐसा लगता है मानो एक बहुत बड़ा ग्लोब हो येलो लाइट का,
और उसमें वो फर्निमोस हो। इन अनदर इज़ द टाइनीस्ट फ्लाई, एक और दूसरी बीट में क्या है, एक छोटी सी मक्खी है। हिज लिटिल विंग्स आउट स्प्रेड, और उसके छोटे जो पंख हैं वो फैले हुए हैं। एंड रेज्ड फॉर फ्लाइट, और मानो के वो उड़ने के लिए तैयार है। अगेन शी कैन शो अस इन अनदर, और अ बी लॉज्ड इन वन बीड, ठीक है। अब एक अलग, एक और दूसरा मणका है, बीड है, जिसमें वो, जिसमें क्या है, एक बी है, मधुमक्खी है। दैट बुक्स लाइक सॉलिड हनी, यानी कि जो मधुमक्खी है वो कैसी नज़र आ रही है, जैसे सॉलिड हनी, सॉलिड शहद होता है ना, वैसी नज़र आ रही है। एंड अ लिटल ब्राइट विंग्ड बीटल इन अनदर, और एक अलग बीड है जिसमें एक बीटल, बीटल एक कीट होता है, ठीक है, एक इंसेक्ट होता है, वो नज़र आ रहा है। दिस वन होल्ड्स टू स्लेंडर पाइन नीडल्स, और इसके अलावा अलग अलग बीड्स में क्या है, पाइन नीडल्स हैं। पाइन नीडल्स जैसे ये तिकोने नीडल्स होते हैं ना पेड़ों के, वो हैं। वाइल येट अनदर शोज एन एटम ऑफ अ कॉर्न कप, जबकि एक दूसरे एटम, एटम मतलब छोटी सी बीट में, छोट उस दूसरे बीट में एक छोटा सा अ कॉर्न कप, अ कॉर्न कप होता है एक फल या फिर एक बीज किसी बलूत का, ठीक है ना, एक छोटा सा बीज वो उसके अंदर है, ठीक है। फिट फॉर ए फेरीज यूज़, यानी कि जो परी के इस्तेमाल के लिए बहुत ही बढ़िया है। आई विश यू कुड सी द बीड्स, मेरी इच्छा है काश तुम बीड्स को देख सकते। फॉर आई कैन नॉट टेल द हाफ ऑफ देयर ब्यूटी, क्योंकि मैं उनकी सुंदरता के बारे में आपको आधा भी नहीं बता सकती। नाउ वेयर डू यू सपोज दैट दे कम फ्रॉम, और आपको क्या लगता है ये जो एम्बर बीड्स हैं ये जैनी के पास कहाँ से आए। एंड हाउ डिड लिटिल स्कॉच जैनी कम इन टू पोजिशन ऑफ सच अ ट्रेजर, और जैनी को ये इतना बड़ा खजाना एम्बर बीट के रूप में किस तरह से मिला, ठीक है। चलिए पता करते हैं उसको ये जो माला है कहाँ से आई, कैसे मिली उसको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ओके, थैंक यू सो मच। इसका सेकेंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ओके। इसको आप देखो अच्छे से और इसको अंडरस्टैंड करो, राइट। हैव अ नाइस टाइम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ एम्बर बीड्स। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, ओके, लेट्स स्टडी। ऑल शी नोज अबाउट इट, यानी कि जो जैनी है एम्बर बीड्स के बारे में बस इतना ही जानती है, दैट हर ग्रैंडफादर, कि उसके जो दादाजी हैं ओल्ड कैनिथ, जिनका नाम है, हु कवर्स नाउ ऑल डे इन द चिमनी कॉर्नर, अब जो वो चिमनी कॉर्नर में सारे दिन सिकोड़ कर एक जगह बैठे रहते हैं। वंस, एक दफ़ा, ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, व्हेन ही वाज अ यंग लैड, जब वो जवान थे, यानी कि जब वो जवान लड़के थे, वेंट डाउन अपॉन द सी शोर, वो समंदर के किनारे गए, आफ्टर अ ग्रेट स्टॉर्म, एक बहुत भयानक तूफान के बाद, होपिंग टू हेल्प सेव समथिंग फ्रॉम द रैक ऑफ द गोशक, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो, गोशक कहते हैं एक समंदरी जहाज को, तो इस होप के साथ वो गए कि शायद वो किसी को बचा पाएँ, मदद कर पाएँ। दैट हैड गॉन अशोर ड्यूरिंग द नाइट, जो कि उस रात किनारे पर आ गया था। एंड देयर अमंग द स्लिपरी सी वीड्स हिज फुट, और वहाँ पर फिसलने वाली समुद्री घास में उसके जो पैर थे, हैड एक्सीडेंटली अनकवर्ड अ क्लियरली क्लियर शाइनिंग लंप ऑफ एम्बर, तो उनके पैरों ने अचानक से उस चमकते हुए एम्बर के टुकड़े को ढूंढ लिया। इन विच ऑल दीज लिटिल क्रीचर्स वर एम्बेडेड, जिसमें वो सारे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स थे, प्राणी थे, वो जड़े हुए थे, एम्बेडेड थे। नाउ कैनिथ लव्ड अ प्रीटी हाईलैंड लेस, यानी कि जो कैनिथ थे वो प्यार करते थे एक पहाड़ों वाली लड़की को, हाईलैंड
लेस, लेस का मतलब होता है लड़की को। एंड व्हेन शी प्रोमिस्ड टू बी हिज ब्राइड, और जब उसने वादा किया कि वो उसकी दुल्हन बनेगी यानी कि उससे शादी करेगी, ही ब्रॉट हर अ नेकलेस ऑफ एम्बर बीड्स, तो उसने उसको क्या ला कर दिया, एम्बर बीड्स का हार ला कर दिया। ही हैड कर्व्ड देम आउट ऑफ हिज लंप ऑफ एम्बर, यानी कि जो लंप ऑफ एम्बर था यानी कि ये पूरा एक टुकड़ा था, ठीक है ना, स्टोन का एम्बर का एक टुकड़ा था, उसके अंदर ये सारे इंसेक्ट थे उसके अंदर, ठीक है। अब क्योंकि वो उसे प्यार करता था, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसमें से अलग अलग हिस्से में इसको काट लिया बड़े ध्यान से, है ना, और इस चीज़ का ध्यान रखा कि जो इंसेक्ट हैं वो वहीं पर रहें, उनको कुछ ना हो। अलग अलग इसमें से उन्होंने, उसने जो कैनिथ ने अलग अलग हिस्से में इसको बीड्स के रूप में काट लिया, ठीक है। वर्किंग केयरफुली टू सेव इन ईच बीट द प्रीटीएस्ट इंसेक्ट मोस्ट एंड थिंकिंग वाइल ही टॉयल्ड आवर आफ्टर आवर, यानी कि जब वो मेहनत कर रहा था वो घंटों तक उसने मेहनत की उसको बीड्स बनाने में, ठीक है। ऑफ द डिलाइट विद विच ही शुड, यानी कि वो उस खुशी के बारे में सोच रहा था कि सी हिज ब्राइड वियर देम, कि उसको कितनी खुशी होगी जब उसकी दुल्हन इन बीड्स को पहनेगी। दैट ब्राइड वॉज जेनीज ग्रैंड मदर, वो जो दुल्हन थी और कोई नहीं थी बल्कि वो जेनी की दादी थी, ग्रैंड मदर थी। एंड व्हेन शी डाइड, अब जब उसकी मौत हुई लास्ट ईयर पिछले साल, शी सेड, उसने कहा, लेट लिटिल जेनी हैव माई लैमर बीड्स, जेनी को मेरा जो लव बीड्स हैं उसको अपने पास रखने दो, एंड कीप देम एज लॉन्ग एज शी लिव्स, और वो जो लव बीड्स हैं, लैमर बीड्स हैं, उसको उसके पास तब तक रहेंगे जब तक वो जिंदा रहेगी, ठीक है। तो ये जो लैमर बीड्स थे, जो नेकलेस था, किसके पास आ गया, जेनी के पास आ गया। बट वॉट पजल्ड जेनी वॉज हाउ द एम्बर केम टू बी ऑन द सी शोर, लेकिन इस चीज़ जेनी को ये चीज़ परेशान कर रही थी, पजल कर रही थी, कंफ्यूज कर रही थी कि जो एम्बर है वो समंदर के किनारे पर कैसे आया। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और इससे भी ज़्यादा, हाउ द बीज एंड मोसेस केम टू बी इनसाइड ऑफ इट, मतलब इस टुकड़े के अंदर ये जो मधुमक्खियां हैं, काई है, ये इसके अंदर कैसे आए। शुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहोगे, इफ़ यू वुड, दैट इज़ वन ऑफ मदर नेचर स्टोरी, अगर आप जानना चाहोगे तो ये एक दिलचस्प कहानी है मदर नेचर की। एंड शी विल ग्लैडली टेल यू इट, और वो बड़े खुशी से इस कहानी को आपको बताएगी। हियर वॉट शी आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस, अब ध्यान से सुनो वो हमारे क्वेश्चंस का किस तरह से आंसर देती है, यानी कि मदर नेचर अब हमें आंसर दे रही है कि वो जो इंसेक्ट्स हैं वो एम्बर बीट के अंदर किस तरह से आए। आई रिमेंबर अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग बिफोर यू वर बोर्न, मुझे याद है बहुत लंबे समय पहले आपके जन्म से पहले, यानी कि हमें वो क्या कह रहा है, जैनी को क्या कह रहा है, और जो रीडर्स ये जो कहानी पढ़ रहे हैं उनको क्या बता रही है जो मदर नेचर, कि तुम्हारे जन्म से पहले बहुत लंबे समय पहले, इवन बिफोर एनी मैन वर लिविंग अपॉन द अर्थ, यहाँ तक के इस धरती के ऊपर कोई भी इंसान नहीं रहता था, देन दीज स्कॉच हाईलैंड्स एज यू कॉल दम, ये जो स्कॉच हाईलैंड्स हैं जिसको तुम नाम लेकर पुकारते हो, वेयर लिटल जेनी लिव्स, जहाँ पर छोटी जेनी रहती है, वर कवर्ड विद फॉरेस्ट, तो ये जो सारे पहाड़ थे, हाईलैंड थे, ये जंगलों से ढके हुए थे। देर वर ओक्स, पॉपलर्स, बीचेस एंड पाइन्स, ये क्या है, सारे ट्रीज के नाम है, दरख्तों के नाम हैं। एंड अमंग देम वन काइंड ऑफ पाइन, और इन चारों दरख्तों में एक खास तरह का एक पाइन था, पेड़ था, टोल एंड स्टेटली, बहुत बहुत विशाल और लंबा पेड़ था, फ्रॉम विच अ शाइनिंग येलो गम फ्लोड, जिसमें से एक चमकीली पीले रंग की जो गूंद थी, गम थी, वो बहती थी। जस्ट एज यू हैव सीन लिटल ड्रॉप्स ऑफ स्टकी गम एग्ज्यूड फ्रॉम आवर ऑन पाइन ट्री, जैसा कि आपने आमतौर पर देखा होगा कि पाइन ट्री में से एक चिपकने वाला जो सब्सटांस है, गम है, वो निकलता है, इसी तरह से एक बड़े पेड़ में से ये
पीले रंग की जो गम थी वो निकलती थी। द ब्यूटिफुल येलो गम वॉज फ्रेग्रेंट, ये जो सुंदर पीले रंग की जो गम थी वो खुशबूदार थी। एंड एज द थाउजेंड्स ऑफ लिटल इंसेक्ट्स फ्लटर्ड अबाउट इट, अब क्योंकि हज़ारों इंसेक्ट जो थे, कीट थे, जो इंसेक्ट से वो इसके आसपास फड़फड़ाते थे। इन द वॉर्म सनशाइन, चमकते हुए सूरज में, दे वर अट्रैक्टेड बाई इट्स प्लेजेंट ऑडर, अब वो इसकी खुशबू से आकर्षित हो जाते थे। इसकी जो अद्भुत खुशबू थी, इसकी जो बढ़िया खुशबू थी, इससे वो आकर्षित हो जाते थे, अट्रैक्टेड हो जाते थे। परहैप्स शायद टू बाई इट्स टेस्ट, शायद इसके टेस्ट से भी वो आकर्षित हो जाते थे, यानी खुशबू से तो अट्रैक्ट होते ही होते थे और शायद इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता था। एंड वंस अलाइटेड अपॉन इट, जब वो कीट जो थे, इंसेक्ट जो थे, एक बार उस पर बैठ जाते थे, दे स्टक फास्ट, वो इससे चिपक जाते थे। एंड कुड नॉट गेट अवे, और वो बाहर नहीं आ सकते, यानी कि वो दूर नहीं जा सकते थे, इससे छुटकारा नहीं पा सकते थे। वाइल द ग्रेट येलो ड्रॉप्स ओजिंग आउट सराउंडेड, अब क्योंकि वो जो येलो ड्रॉप्स थी वो लगातार टपकती रहती थी, तो क्या है, सराउंडेड, वो जो कीट थे, जो इंसेक्ट थे, उनको घेर लेती थी। एंड एट लास्ट कवर्ड, और आखिर में उनको पूरा ढक लेती थी, कवर कर लेती थी। देम एंटर, सो इस तरह से वो जो कीट थे, इंसेक्ट से, वो उसके अंदर एंटर कर जाते थे। टू विंड ब्लोज बिट्स ऑफ मॉस, लीव्स, अकॉन्स, कॉन्स एंड लिटिल स्टिक्स वर सून सिक्योरली एम्बेडेड इन द फास्ट फ्लोइंग गम, अब जब हवा तेज की चलती थी, तेज हवा चलने से जो काई थी, छोटे छोटे पत्ते थे, अकॉन्स यानी कि जो बलूत फल के बीज थे, कॉन्स थे, ठीक है, और छोटी छोटी जो लकड़ियाँ थी वो हवा से उड़कर इस पर चिपक जाती थी, इस गम से, वर्ड सोन सिक्योरली एम्बेडेड, और वो भी उसके अंदर समा जाती थी, जड़ जाती थी, एम्बेडेड हो जाती थी, फास्ट फ्लोइंग गम, उस तेज़ी से बहती हुई गम में। एंड एज टाइम वेंट बाय, और जैसे समय बीतता तो क्या होता, हार्डन एंड हार्डन मोर एंड मोर, समय बीतने के साथ साथ वो जो गम थी वो बहुत ज़्यादा सख्त होती जाती है। एंड दिस इज एम्बर, और इसको हम एम्बर के नाम से जानते हैं। दैट इज़ वेल टोल्ड मदर नेचर, हाँ मदर नेचर आपने बहुत अच्छी कहानी बताई है, बहुत अच्छी लगी, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ कैन दिस लंप ऑफ एम्बर केम टू बी ऑन द सी शोर, लेकिन मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती कि कैनिथ के पास वो जो एम्बर का टुकड़ा है वो समंदर के किनारे कैसे आया उसके पास, मुझे ये कन्फ्यूजन है, मुझे ये नहीं आया समझ में। वेट, ठहरो, देन फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, तो कहानी के दूसरे पार्ट का इंतज़ार करो, यानी कि मदर नेचर ने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो इंसेक्ट्स हैं वो एम्बर बीट्स, एम्बर के अंदर किस तरह से एम्बेडेड हो गए, ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है वो जो एम्बर बीट है, जो लंप ऑफ एम्बर बीट है वो समंदर के किनारे कैसे आया, अब वो उसको एक्सप्लेन करने जा रही है, ठीक है। डिड यू एवर हियर दैट इन दोज वेरी ओल्ड टाइम्स, क्या कभी आपने सुना है कि उस पुराने समय में, द लैंड समटाइम्स सैंक डाउन इन टू द सी, ये जो हमारी धरती है समंदर में डूब जाया करती थी, पानी में डूब जाया करती थी। इवन सो डीप दैट द वॉटर कवर्ड द वेरी माउंटेन टॉप्स, यानी कि जो धरती थी इतनी ज़्यादा समंदर में डूब जाया करती थी कि जो पहाड़ होते थे बड़े बड़े वो भी उसमें डूब जाया करते थे। ये चीज़ आपको अच्छे से ज्योग्राफी लेसन में पता चलेगी। एंड देन आफ्टर एजेस, और बहुत लंबे समय के बाद, एजेस कहते हैं बहुत लंबा समय, सदियों बाद, इट वॉज स्लोली लिफ्टेड अप अगेन, और वो धीरे धीरे फिर से ये ऊपर उठती थी, यानी कि जो पानी का जो लेवल था वो नीचे जाता था और वो जो पहाड़ होते थे फिर ऊपर आ जाते थे। टू सिंक इनडीड परहैप्स येट अगेन एंड अगेन, तो इस तरह से जो प्रोसेस थी ना ये बार बार चलती थी, यानी कि बार बार पहाड़ नीचे डूब जाते, फिर ऊपर आ जाते, फिर डूब जाते, फिर ऊपर आ जाते, ये जो प्रोसेस था लगातार चलता रहता। यू कैन हार्डली बिलीव इट, आपको यकीन नहीं आएगा, येट आई माई सेल्फ वॉज देयर टू सी, हालांकि मदर नेचर कह रही है मैं खुद वहां पर थी जब ये प्रोसेस हो रही थी, अब वो हमें कह रही है ना तुम्हें शायद यकीन ना आए, लेकिन जब ये प्रोसेस हो रही थी
तब मैं वहाँ पर थी, मैंने खुद अपनी आँखों से इसको देखा। एंड आई रिमेम्बर वेल व्हेन द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड, और मुझे अच्छे से याद है ये जो नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड के जो जंगल हैं, द ओक्स, द पॉपुलर्स एंड द एम्बर पाइन्स, ये जो दरख्त हैं, वर लोवर्ड इन टू द डीप सी, ये सारे दरख्त क्या है उसके अंदर डीप गहरे समंदर में चले गए थे। देयर लाइंग एट द बॉटम ऑफ द ओशन, वहाँ पर समंदर के तल पर वो काफ़ी समय तक रहे। द वुड एंड द गम हार्डन लाइक स्टोन, अब वो जो पेड़ों की लकड़ी थी और जो गम थी, ठीक है, वो पत्थर की तरह क्या हो गई थी, सख्त हो गई थी। एंड ओनली द ग्रेट स्टॉर्म्स कैन डिस्टर्ब, और उसको सिर्फ भारी जो तूफान थे वही डिस्टर्ब कर सकते थे। एंड एज दे लाई बी हाफ बेरिड इन द सैंड, क्योंकि जो एम्बर बीट के जो टुकड़े थे वो आधे रेत के अंदर दबे होते थे, और वो कैसे बाहर आ सकते थे, बहुत तेज़ तूफान जब आता था। इट वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट स्टॉर्म्स दैट ब्रॉट कैनिस लंप ऑफ एम्बर टू लैंड, यानी कि कैनिथ के पास जो किनारे पर उसको लंप ऑफ एम्बर बीट्स मिला, वो उन तूफानों की वजह से है। वो एक तूफान ऐसा आया होगा कि जिसकी वजह से वो किनारे पर आ गया, तो इस तरह से उसको क्या मिल गया, लंप ऑफ एम्बर बीट्स। इफ वी कुड ओनली वॉक ऑन द बॉटम ऑफ द सी, अगर हम समंदर के तल के ऊपर चलेंगे, व्हाट ट्रेजर्स वी माइट फाइंड, हमें पता नहीं क्या क्या खजाने मिलेंगे। ओके, ये मैंने ऑथर की जो इंट्रोडक्शन थी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक दिस वीडियो, ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।